हेलो रिवान वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है सो बेसिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन के ये वीडियो लेक्चर में हम और कुछ मेडिसिन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे सो दिस इज़ अवर पार्ट 19 वीडियो लेक्चर ऑन दिस सीरीज ऑफ मेडिसिन के जिसके अंदर हम अलग अलग मेडिसिनस के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं एंड उसका डिटेल क्लासिफिकेशन भी डिस्कस करते हैं एज़ पर द फार्माकोलॉजी तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर में और आज के लेक्चर का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कि जैसे कि हम जो हाइपरटेंशन के जो प्रेशर पेशेंट होते हैं हाइपरटेंशन मतलब कि जो हम कहते हैं ब्लड प्रेशर कि जिनको ब्लड प्रेशर की तकलीफ होती है कि ब्लड प्रेशर जिनका इंक्रीज होता है हाई होता है तो वैसे पेशेंट ये अलग अलग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एंड मेडिसिन लेते हैं कि जैसे कि कुछ पेशेंट को कैप्टोप्रिल दी हुई होती है कुछ पेशेंट्स एम्लोडिपिन प्लेन लेते हैं या फिर एटेनोलॉल या फिर कुछ पेशेंट्स को दोनों का ये कॉम्बिनेसन्स भी प्रिस्क्राइब किया जाता है फिर एक दूसरी बात यह है कि ये जो मेडिसिन है वो आर मतलब कि प्रिस्क्रिप्स ड्रग है डॉक्टर uh, के प्रिस्क्रिप्शंस के साथ ही ये मेडिसिन को ली जाती है एज वेल एज़ प्रॉपर एडवाइस एंड सुपरविजन के साथ ही ये मेडिसिंस को लेना होता है बिकॉज समझो कि डोज ज़्यादा हो जाता है या फिर uh, कम होता है तो भी पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं तो इसलिए प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन के अंडर में ही ये मेडिसिन जो है वो दी जाती है इसलिए आप देखो यहाँ पे लिखा है प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन की बच्चों से आप ये मेडिसिन को दूर रखिए कैप्टोप्रिल ऐसे ही यहाँ पे आर एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्लोडिपिन एटेनोल पे तो सबसे पहले हाइपर टेंसन क्या है वो हमें पता होना चाहिए तो वॉट इज हाइपर टेंसन तो हाइपर टेंसन और एच टी एन शॉर्ट में हम एच टी एन कहते हैं या फिर एच टी ऑल्सो नॉन एज ए हाई ब्लड प्रेशर कैसी बीमारी के जिसके अंदर किसी भी पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होता है तो हाइपरटेंशन टेंशन की जिसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना कि किसी भी पर्सन का ब्लड प्रेशर जो है वो राइज होता है इंक्रीज होता है अपने नॉर्मल लेवल से तो उसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन एच या फिर बी कहते हैं नॉर्मली हम रूटीन लाइफ के वर्ड्स के अंदर बी वर्ड ही यूज़ करते कि बी हाई है या बी लो है तो ये लेक्चर भी हम स्पेशली जो हाइपरटेंशन होता है किसी पर्सन का कि जिसका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है जिसका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है उसके लिए कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे कि जो ये एक लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन है कि जिसके अंदर ब्लड प्रेशर जो है होता है एलिवेटेड होता है इन आर्टरीज़ कि जो हमारी आर्टरीज़ होती है उसके अंदर ये ब्लड प्रेशर काफ़ी इंक्रीज़ होता है तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेशन कंडीशन है कि जब इसको प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए तो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड का जो प्रेशर है वो कैपिलरीज के ऊपर एज़ वेल एज़ आर्टरीज के ऊपर बढ़ता जाता है उन कुछ ऐसे सेंसिटिव आर्टरीज या कैपिलरी हो और वो समझो कि ब्रेकडाउन हो जाए प्रेशर के कारण और स्पेशली समझो कि वो ब्रेन के पोर्शन में हो जाए तो पेशेंट को ऐसी कंडीशन में ब्रेन स्ट्रोक भी होता है ब्रेन हेमरेज हो जाता है एंड कुछ केसेस के अंदर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है तो हाइपरटेंशन ऐसी बीमारी है कि जिसको लाइटली नहीं लेना चाहिए किसी को भी जैसे ही समझो कि आपको ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं तो तुरंत ही आपको मेडिसिन जो है वो रेगुलरली लेना स्टार्ट कर देना चाहिए तो ये जो हाइपर है उसको ट्रीट करने के लिए जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं उसको कहा जाता है एंटी हाइपर ड्रग्स जिनका नाम है सिंपली एंटी हाइपर ड्रग्स तो सिंपली हम कहें तो सिंपली मेडिसिन विच आर यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर आर कॉल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कंप्राइज़ द सेवरल क्लासेस ऑफ कंपाउंड विद द थेरापिटिक इंटेंशन ऑफ प्रिवेंटिंग कंट्रोलिंग और ट्रीटिंग द हाइपरटेंशन तो ये हमारी मेडिसिन है उनका हमारा जो गोल है तो पहला गोल रहेगा कि डिसीज़ को प्रिवेंट करना कि हाइपरटेंशन किसी को होता है ब्लड प्रेशर तो हम प्रिवेंट करें दूसरा हमारा टारगेट रहता है उसको अच्छे से डिसीज़ को मैनेज करके रखना या फिर उसको कंट्रोल करके रखना एंड तीसरी कंडीशन मेन इम्पोर्टेंट वो है उसको ट्रीट कर देना तो फर्स्ट प्रिवेंसन या फिर जिसको प्रिवेंटिंग कह सकते हैं कंट्रोल मतलब कि कंट्रोलिंग एंड थर्ड इज द ट्रीटिंग द हाइपर तो ये है हाइपर और उसके रिलेटेड ड्रग्स तो ड्रग्स के बारे में आप डिटेल में जानते हैं उससे पहले फार्मारॉक्स के चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एन वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स अब जो हमारे वीडियो लेक्चर्स है टेस्ट सीरीज है उसके पी डी एफ वगैरह आपको डायरेक्टली ऑक्स की ऐप ऊपर से मिल जाएगी तो ऐप जो है वो आप एंड्रॉयड यूज़र है तो गूगल प्ले स्टोर पर से डाउनलोड कर सकते हैं एंड अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो ऐप स्टोर पे भी ये ऐप आपको मिल जाएगी तो जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है तो जरूर से लिंक चेक करिए एंड ऐप को डाउनलोड करिए तो इस तरह से ये स्टडी मटेरियल फिर टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर वगैरह आप ऐप पर एक्सेस कर पाओ पे एज वेल एज आपको समझो कि स्टडी मटेरियल ऑर्डर करना है प्रिंटेड तो वो भी आप ऑर्डर कर पाओगे फ्रॉम फार्मारोक्स मोबाइल एप्लीकेशन सो टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर एंड स्टडी मटेरियल एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द एप। तो हाइपन डेंसन की जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि ऐसी कंडीशन की जिसके अंदर ब्लड प्रेशर जो है वह किसी भी पर्सन का इंक्रीज़ होता है और ऐसी कंडीशन की जिसके अंदर आर्टरीज के अंदर कंटिन्यूसली जो ब्लड का जो प्रेशर है वो एलिवेटेड होता जाता है इंक्रीज़ होता जाता है तो ये चार्ट आपको याद रखना होता है कि ब्लड प्रेशर सबसे पहले तो नॉलेज होना चाहिए कि जो ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल वैल्यूज़ और कौन सी कंडीशन हाई ब्लड प्रेशर कही जाती है उसके जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं तो ये टेबल है आपके लिए खूबज आईएमपी टेबल हम कह सकते हैं मोस्ट आई टेबल मैं तो कहूंगा आपके लिए बिकॉज इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एम सी एज वेल एज एज द नॉलेज ये आपको जानना जरूरी कि जो सबसे पहले तो नॉर्मल कि जो ग्रीन में दिखाया है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 से लेकर 80 के बीच में उसकी वैल्यू है 120 ट्वेंटी सिस्टोलिक एम एंड एच डायस्टोलिक जो है एमएमएच यूनिट के अंदर की जो बॉटम 80 तो यूजली हम 120 80 कहते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैल्यू 120 80 सिस्टोलिक 120 एंड डायस्टोलिक 80 एम की जो हम मर्क्यूरी uh, से जो मेजर किया जाता है वो उसका मेन ब्लड प्रेशर का यूनिट अब समझो कि स्लाइटली एलिवेटेड है किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर तो एलिवेटेड है सिर्फ स्लाइटली एलिवेटेड तो उस वक्त ब्लड प्रेशर 120 से थोड़ा इंक्रीज होके 120 ट्वेंटी जा सकता है तो 120 ट्वेंटी टू वन तो वो एलिवेटेड कहा जाता है एंड डायस्टोलिक में वो रहेगा लेस देन उसके बाद देखो हाई ब्लड प्रेशर स्टेज वन हाइपरटेंशन जो कंडीशन कही जाती है जिसके अंदर पेशेंट का ब्लड प्रेशर रहता है 130 थर्टी टू वन के बीच में कि जो है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है 80 से लेकर 89 के बीच में तो ये कंडीशन कही जाती है स्टेज वन स्टेज वन है हाइपरटेंशन का ऐसा हम कह सकते हैं तो ये वैल्यूज न्यूमेरिकल वैल्यू खास अच्छे से याद रखनी है फिर सेकंड कंडीशन हाई ब्लड प्रेशर स्टेज टू हाइपर तो इस स्टेज टू में आप देखो 140 से हाई रहता है पेशेंट का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक में ग्रेटर देन 90 ग्रेटर देन नाइनटी एंडस्ट सिस्टोलिक में ग्रेटर देन 140 से ज्यादा है अब तीसरी कंडीशन सीख मेडिकल अटेंशन कि उस वक्त पेशेंट जो है वो क्रिटिकल बन जाता है काफ़ी हाई एक्सट्रीम हाई कह सकते हैं तो हाइपरटेंशन क्राइसिस कहा जाता है उस कंडीशन को कि जिसको हम स्टेज थ्री कह सकते हैं और उस वक्त सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वन एटी से हाई होता है एंड डायस्टोलिक में ग्रेटर देन 120 रहता है तो जो ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक में होना चाहिए 120 वो हो जाता है डायस्टोलिक के अंदर तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज्यादा ब्लड प्रेशर जो है वो एलिवेटेड हुआ है किसी पर्सन का तो इसी कंडीशन में पेशेंट को जब अच्छे से ट्रीट करना है उसका ब्लड प्रेशर आपको नॉर्मल में, में करना है कि जो हमने आगे देखा कि एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन का जो रोल है एक तो डिसीज को पहले तो प्रिवेंट करना प्लस प्रिवेंशन के सा के अलावा दूसरी कंडीशन हम सोचे तो उसको कंट्रोल करना एंड थर्ड थिंग उसको अच्छे से ट्रीट करके देना कि प्रॉपर जो है वो पेशेंट की ट्रीटमेंट हो जाए तो ये है हाइपरटेंशन का चार्ट तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ऐसी है कि जो सिंपली यूज़ टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर थेरापिटिक इंटेंशन ऑफ प्रिवेंटिंग कंट्रोलिंग और ट्रीटिंग द हाइपर टेंसन ऑफ द पर्टिकुलर पेशेंट तो जानते हैं मेडिसिन को अब अच्छे से तो सबसे पहला जो क्लास है उसका कि जो हम डायरेटिक्स क्लास की जो ड्रग्स यूज करते हैं इसके अंदर डायूरेटिक्स कि डायूरेटिक्स यूज़ होते हैं एज अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स तो ये हमारा प्रॉपर फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के तौर पे भी हम देख रहे हैं एज वेल एज बेसिक यूज के तौर पे भी हम देख रहे हैं दिस एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स तो सबसे पहले जो क्लास है डायोरेटिक्स की जो थाड डायरेटिक क्लास की ड्रग्स और उसमें भी हाइड्रोक्लोरो वाइडली यूज होती है आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरो ट्वेल्व पॉइंट फाइव एम जी की उसकी जो है वो डोज है उसका वन टैबलेट का टैबलेट की स्ट्रेंथ ट्वेंटी इन टू टेन टैबलेट्स की पूरा बॉक्स तो ये देख सकते हैं दस टैबलेट का पूरा ब्लिस्टर तो ये टोटल टेन टैबलेट्स के ब्लिस्टर आप देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरोड की उसके अलावा सेम क्लास की क्लोरथैलीडोन एंड इंडेपेमाइड ये दोनों भी यूज होते हैं थाजेड क्लास की ही ड्रग्स है कि जो हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट हाइपरटेंशन उसके बाद हाई सीलिंग डायोरेटिक क्लास की ड्रग है फ्यूरेसामाइड वो यूज़ की जाती है फिर पोटेशियम के प्लस मतलब कि पोटेशियम स्पेरिंग डायोरिटिक में से स्पायरैक्टोन एंड एमिलोराइड को हम यूज करते हैं आगे है एसी ही इनहिबिटर्स की जिसको हम फुल फॉर्म कहा जाता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। एसी ही इनहिबिटर शॉर्ट में कहते हैं हेल्प एंड रिलैक्स योर वेन ये क्या करते हैं हमारे वेन्स को रिलैक्स करती है ऑल्सो द आर्टरीज टू लोअर योर ब्लड प्रेशर कि जब ब्लड प्रेशर काफी हाई हो जाता है तो उस वक्त हमारी जो आर्टरी से वेन से उसको रिलैक्स करना जरूरी है बिकॉज हाइपर के अंदर हमारी जो आर्टरीज है वेन है वगैरह क्या हो जाती है काफी कॉन्ट्रैक्शन होता है उनके अंदर तो कॉन्ट्रैक्शन हो तब जरूरी है रिलैक्सेशंस करवाना कि कॉन्ट्रैक्शंस की ऑपोजिट कंडीशन की जो कॉन्ट्रैक्शंस को ट्रीट करने के लिए जरूरी है रिलैक्सेशन करवाना उसको प्रॉपर रिलैक्स करवाना कि जैसे ही हाँ ये आर्टरीज रिलैक्स होगी तो ऑटोमेटिकली जो ब्लड प्रेशर है वो रिड्यूस होकर नॉर्मल की रेंज में आ जाएगा तो ये जो टैबलेट्स है कि कैप्टोप्रिल एनालेप्रिल, फिर लेसिनोप्रिल पेरिडोप्रिल रामी फॉसिनोप्रिल वगैरह की जितनी भी आप देखोगे सभी के पीछे प्रिल आपको मिलेगा जितने भी ये एसी ही इनहिबिटर्स की ड्रग्स हैं। तो प्रिल वाले जितने भी ये मेडिसिन वो सब यूज होती है ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए हाई ब्लड प्रेशर स्पेशली क्या आप यहां पे देख सकते हैं का कवर, तो एनालिप्रिल मेलेट फॉर्म में होता है वो एस पर आई पी खास लिखा है बिकॉज ये सब प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैप्टोप्रिल के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन एंड आउट ऑफ रीच ऑफ के बच्चों से आपको खास दूर रखनी है ये टैबलेट्स तो कैप्टोप्रिल एनल एप्रिल जितनी भी प्रिल या फिर आपके जो प्रोनाउंसिएशन में आप जैसे अप्रैल बोलोगे तो ये सब हुए ए सी ही इनहिबिटर्स ड्रग ए मतलब कि एसी ही और पीछे प्रिल तो इस तरह से भी आप उसको याद रख सकते हैं एप्रिल तो एप्रिल मतलब कि एसी ही इनहिबिटर्स ड्रग किसी भी प्रिल वाली ड्रग्स ए मतलब कि एनजियोटेन्सिन सी मतलब, कन्वर्टिंग, एन मतलब A, C, e, कि कन्वर्टिंग एंड ई मतलब कि एंजाइम ए सी ई इनहिबिटर्स की जो रिलैक्स करती है वेन्स एंड आर्टरीज को जिससे ब्लड प्रेशर लोअर हो जाता है एंड नॉर्मल कंडीशन उसकी मेंटेन होती है फिर है एंजियोटेंसिन मतलब कि 81 रिसेप्टर ब्लॉकर एनजीओ मतलब कि ए टेंसिन मतलब कि टी तो एनजीओ का ए टेंसिन का टी कि जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर होते हैं उनको ब्लॉक करने वाली ये मेडिसिन की जिससे ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन होता है तो उसमें है लॉसार्टन कि यहाँ पे हम देख सकते हैं लॉसार्टन की टैबलेट 50 ज़ीरो फिफ्टी उसकी स्ट्रेंथ है देन कैंडेसार्टन काफ़ी फेमस है इर्बेसार्टन वाल्सार्टन कि वाल्सार्टन की, की कैप्सुल्स अवेलेबल होती है वी वन सिक्सटी आप टैबलेट पे देख सकते कैप्सूल पे देख सकते हैं और ओरल यूज से है 160 सिक्सटी उसकी स्ट्रेंथ रहेगी वाल्सर्टन उसके बाद टेलमी सर्टन टैबलेट एस पर आई पी फोर्टी और सभी प्रिस्क्रिप्स रहेगी आर एक्स ओनली खास लिखा आप देखोगे आर एक्स ओनली यहाँ पे भी है तो ये लोसर्टन तो यहाँ पे एक आपको कॉमन चीज यहाँ पे मिलेगी ये जो मेडिसिन के नाम के पीछे एस ए आर टी एन सार्टन जो है वो सभी के पीछे आप देख सकते हैं सार्टन तो जितनी भी सार्टन वाली है एनजियोटेंसिन वन एटी वन रिसेप्टर ब्लॉकर है कि जो यूज होती है टू ट्रीट हाइपरटेंशन के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ट्रीट करने के लिए लोवर करने के लिए हम ये मेडिसिन यूज करते हैं फॉर्थ इसमें काफी पॉपुलर एक क्लास है वो है डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर कि जिसका एग्जाम्पल है एलिस किरेन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये पूरा टॉपिक ही मोस्ट आईएमपी है इसमें से एक भी स्लाइड आपको स्किप नहीं करनी है सभी को अच्छे से प्रिपेयर करना है तो एलिस किरेन की रेनिन इनहिबिटर्स क्लास की ये ड्रग है तो ऐसे ग्रुप है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के अंदर कि जो प्राइमरली यूज होते हैं टू ट्रीट हाइपर कि की फिल्म कोटेड टैबलेट उसकी अवेलेबल होती है 150 फिफ्टी एम जी उसको बनाता है एज वेल एज नोवार्टिस की ही ये वन फिफ्टी एम जी स्ट्रेंथ की ये टैबलेट्स ये 30 टैबलेट्स का है और ये 28 फिल्म कोटेड टैबलेट्स का पैकिंग है तो आर एक्स आप देख सकते हैं नोवार्टिस no की ये प्रोडक्ट्स आर एक्स कि प्रिस्क्रिप्स के साथ ही आपको ये यूज़ करनी है और ये मेडिसिन काम कैसे करती है वो भी जान लो तो दिस ड्रग्स इनहिबिट द फर्स्ट टेन रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ रेनिन एजियोटेसिन आल्डोस्टेरॉन सिस्टम ये पूरी एक सिस्टम है कि रेनिन एंजियोटेंसिन आल्डोस्टेरॉन सिस्टम नेमली द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन टू एंजियोटेंसिन वन एनजीओटेन्सिनोजन से सॉरी एनजीओटेन्सिनोजन से हमें कन्वर्ट होके मिलता है एनजियोटेन्सिन वन तो ये जो डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स ड्रग है वो ये रेनिन सिस्टम है उसको इनहिबिट कर दे जिसके कारण जो ब्लड प्रेशर जो एलिवेटेड होता है इसके कारण वो ऑटोमेटिकली डाउन होता है और जो पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल कंडीशन में रहता है फिर है क्लास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जिसको हम शॉर्ट में सी सी बी कहते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जिसके अंदर जो फेमस ड्रग्स है वेरा पामिल है डिलटी है तो वेरा पामिल की आप देख सकते हैं टैबलेट्स एस पर आई पी फोर्टी एम जी टेन इन टेन टैबलेट्स का ये पैकिंग आर एक्स ये जितनी भी है वो आरएक्सी होगी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स निफेडिपिन यहाँ पे आप देख सकते हैं निफेडिपिन की सस्टेन रिलीज टैबलेट और टेन एम जी उसकी स्ट्रेंथ है निकार्डिया रिटार्ड ब्रांड नेम है उसका वो भी प्रिस्क्रिप्शन है फिर फैलोडिपिन आप देखे एम्लोडिपिन की एम्बलोडिपिनस कॉम्बिनेशन में एटेनोलॉल के साथ भी होती है कि जो बीटा ब्लॉकर है फिर निट्रेन डिपिन एंड लेसी डिपिन तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ ऐसे है कि जो इसके पीछे डिपिन लग रही है देख सकते हैं आप ये डिपिन वाली जो है वो सब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और सिर्फ ये दो ही अलग से है वेरापीलेन डिल्टी बट उसके अलावा जितनी भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है उनके पीछे लगता है ये डिपिन तो ये सभी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है आर एक्स ऑनली रहेगी तो ये खास आपके नॉलेज के लिए याद रखना है कि सेल्फ मेडिकेशन इज डेंजरस ऑलवेज हम कहते आ रहे हैं आपको कि सेल्फ मेडिकेशन तो कभी भी नहीं करना है प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद कितना ब्लड प्रेशर है कौन से स्टेज में है उसी के अकॉर्डिंग टू ये जो मेडिसिन है वो ली जाती है सिक्स है बीटा एड्रर्जिक ब्लॉकर कि जिसको हम शॉर्ट में बीटा ब्लॉकर के नाम से काफ़ी फेमस है ये ड्रग्स बीटा ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स वाली सभी जो है उसके पीछे लगता है ये लॉल कि प्रोप्रानोलॉल मेटाप्रोलॉल एंड एटेनोलॉल तो आप देख सकते हैं कि एटेनोलॉल की टैबलेट्स 25 फाइव एम जी मेटाप्रोलॉल फिफ्टी एम जी स्ट्रेंथ में एज वेल एज प्रोप्रन की टैबलेट फोर्टी एम जी टैबलेट एबोट की जो उसका मेन ब्रांड है तो यहाँ पे आप कॉमन चीज है LOL. कि बीटा ब्लॉकर्स की सभी मेडिसिन के पीछे लगता है ये लॉल तो याद रखना है दीज आर ऑल्सो ए आर एक्स ड्रग प्रिस्क्रिप्शन ओनली नंबर सेवन में है कि बीटा प्लस अल्फा एड्री ब्लॉकर्स कॉम्बिनेशन वाली लेबेटालोल एंड कार्बेडिल तो कार्बेडिल टैबलेट्स आई पी यहाँ पे हार्ड भी ड्रॉ किया हुआ है ए कार्वे जॉन थ्री वन ट्वेंटी फाइव एम जी की जो स्ट्रेंथ है उसकी और उसके अलावा लेबेटालोल की जिसका सॉल्ट फॉर्म हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट हंड्रेड एम जी स्ट्रेंथ में वो अवेलेबल है तो आप ये नोटिस करोगे सभी के ऊपर ये खास आरएक्स तो प्रिंट है ही आपने जितने भी लेबल्स देखे सभी के अंदर आर एक्स आपने देखा मतलब कि ये प्रिस्क्रिप्शंस ड्रग है उसके बाद नंबर एट अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स प्राजोसिन तेराजोसिन डॉक्साजोसिन फेंटालोमाइन एंड फिनॉक्सी बेंजामाइन तो यहाँ पे तीन ऐसी है कि जिसके पीछे लिखता है ये जोसिन तो अल्फा अल्फाइड की ओनली हाइड्रोक्लोराइड एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट है फाइव एम जी उसकी स्ट्रेंथ की जिसको हम कहते हैं टैबलेट रिलीज। तो प्राजोसिन के जैसे ही तेराजोसिन एंड डॉक्साजोसिन की एक्सटेंडेज रिलीज टैबलेट्स अवेलेबल होती है मार्केट में उसके अलावा फैंटालोमाइन भी एड्रीनर्जिक ब्लॉकर से एज वेल एज फिनॉक्सी बेंजामाइन तो मोस्ट आईम्पिक क्वेश्चन ये एग्जाम में कई बार पूछेगा कि आइडेंटिफाई द अल्फा ब्लॉकर ड्रग फ्रॉम गिवन एग्जाम्पल उस वक्त आपको ये अच्छे से याद रखना है फिर सेंट्रल सिंफेथोलाइटिक्स ड्रग की जो है क्लोनीडिन एंड मिथाइल डोपा ये दो ही मेडिसिन आपको याद रखनी है यह है मिथाइल डोपा स्ट्रेंथ टू फिफ्टी एंड क्लोनिडिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट पॉइंट वन एम जी की स्ट्रेंथ सिर्फ ज़ीरो पॉइंट वन एम जी हंड्रेड टैबलेट्स दी जाती है कि जो पेशेंट को आगे की कोई भी मेडिसिन सूट नहीं होती तो उनको ये क्लोनिडिन हाइड्रोक्लोराइड से भी ट्रीट किया जाता है तो यह है मिथाइल डोपा एंड क्लोनिडिन हाइड्रोक्लोराइड की सेंट्रल सिंफेथोलाइटिक क्लास की ड्रग्स है कि जो यूज़ होती है टू तो ट्रीट हाइपरटेंशन, टेंसन फिर वासो डायलेटर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्लास है एंटीहाइपरटेंसिव के अंदर कि वासो मतलब कि जो हमारी जो वेन सिस्टम है पूरी बॉडी की कि वेन एंड आर्टरीज जो होती है उनको डायलेट करने का काम कि यूजुअली क्या होता है वेन या फिर आर्टरीज का होता है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन तो कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो जरूरी है उसको रिलैक्स करवाना रिलैक्स तब हो कि, कि जब उसको आप डायलेट करोगे तो ये डायलेशन के लिए डायलेट करवाने के लिए जो डायलेटर्स जरूरी है तो आर्टे रियोलर सबसे पहले तो उसके अंदर है हाइड्रेलिजिन काफ़ी फेमस है फिर मिनोक्सीडिल है एंड डाइजोक्साइड तो ये तीनों आर्टेरियोलर के तौर पे काम करती है और उनका काम रहेगा वासो कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है हमारी वासो मतलब कि जो हमारी वेन एंड आर्ट्रीज तो उसको डायलेट करके प्रॉपरली ब्लड प्रेशर नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम करेगी ये मेडिसिन की यहाँ पे भी दिखा है देखो लेबल के ऊपर फार्मेसी मेडिसिन कीप आउट रीच ऑफ चिल्ड्रन मतलब कि आर एक्स ऑनली है देख सकते हैं यहाँ पे एंड वासोडाइलेटर यूएसपी ट्वेंटी फाइव एम जी टैबलेट ताज फार्मा उसका मैन्युफैक्चरर है नेक्स्ट है आर्टेरियल प्लस वीनस डायलेटर्स तो इसमें है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड काफी फेमस इंट्रावेनसली इंजेक्शन के पेशेंट को दिया जाता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का इंजेक्शन फिफ्टी एम पर टू एम एल वायल एंड 25 फाइव पर एम है उसका आई वी इन्फ्यूजन ओनली खास ये कंडीशन लिखी है वायल के ऊपर कि आई वी इन्फ्यूजन ओनली टू एम सिंगल डोज वायल है ये तो ये वायल्स स्पेशली पेशेंट को कि जब पेशेंट अनकॉन्सियस हो जाता है हाइपरटेंशन के कारण कि काफी हाई ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया है उस कंडीशन में आपको टैबलेट देना पॉसिबल नहीं है तो उस वक्त ये डोजेस फॉर्म की जो हम कहते हैं कि पेरेंट्रल डोजेस फॉर्म काफ़ी इफेक्टिव बन जाता है कि डायरेक्टली पेशेंट को आप वेन के अंदर इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न जो है वो ट्रांसफ़र करके उसका ब्लड प्रेशर हम नॉर्मल ला के पेशेंट को स्टेबल करते हैं तो ये थी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स तो आर्टरीज़ का एक वर्ड देखा हमने कि आर्टेरियल क्या है तो आर्टेरियल इज़ ए स्मॉल डायमीटर ब्लड वेसल कि आप देख सकते हैं जो आर्टरी है ये ये है वेन तो आर्टरी के जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स जो आगे जाते हैं वो आर्टेरियल आर्टेरियल आगे जाके कैपिलरीज बनाती है ऐसे ही जो वेन्स की वेनुल है वो भी आगे जाके बनाती है ये कैपिलरीज और ये होते हैं उसके साथ अटैच टिश्यू के सेल्स तो इन द माइक्रो सर्क्यूलेसन दैट एक्सटेंड एंड ब्रांचिज आउट फ्रॉम एंड आर्टरी एंड लीड्स टू कैपिलरिज के आर्टरीज में से निकलती है आर्ट्रियोल्स और आगे जाके वो कैपेलरिज के अंदर कन्वर्ट होती है एंड आर्टेरियोल्स है मस्क्यूलर वॉल्स यूजली ओनली वन और टू लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल एंड आर द प्राइमरी साइट ऑफ वास्क्युलर रेजिस्टेंस अब ये हम देखो तो ये जो हमारे कैपिलरीज है आर्टरीज है आर्ट्रियोल है वगैरह कंप्लीटली डेलिकेट कह सकते हैं हम दे आर डेलिकेट ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन्स तो हम नहीं कहेंगे पार्ट कहते हैं चलो कि हमारे बॉडी के जो डेलिकेट पार्ट्स है डेलीकेट्स एरिया कह सकते हैं कि जहाँ पे इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो उस वक्त समझे कि प्रेशर काफी हाई होता है तो ये उनकी जो स्ट्रेंथ होती है तब तक वो प्रेशर जो है वो टॉलरेट करती है और जब प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है तो फिर ब्लो ब्लड कैपेरीज जो है वो क्या हो जाती है ब्रेक हो जाती है कि जैसे कि पानी की पाइपलाइन का ही हम एग्जाम्पल देखें कि वाटर की पाइपलाइन का प्रेशर काफ़ी हाई करोगे रो एक कंडीसन ऐसी आएगी कि आपने इतना सारा प्रेशर बढ़ा दिया है कि वो डायरेक्टली पाइपलाइन ब्रेक हो जाती है तो जब ऐसी पाइपलाइन हमारे ऐसे सेंसिटिव ऑर्गन के पास हो और वहाँ पे जब ब्रेक हो तो उसके कारण आगे जाके वहाँ पे ब्लड एक्यूमलेट हो जाता है और समझो कि बॉडी के अदर पार्ट्स के अंदर है ऐसा हुआ है तो ईजी हो जाता है सर्जरी करके वो क्लोटिंग्स को रिमूव करना बट जब यही ब्रेक होके हेमरेज कर लेती है और स्पेशली जब वो हमारे सेंसिटिव पार्ट ब्रेन की जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन ऑर्गन है वहाँ पे समझो कि ये और कैपिलरीज ब्रेक होती है ब्लड वेसल्स वगैरह तो ये ब्लड प्रेशर के कारण वहाँ पे हेमरेज कर सकती है और हेमरेज के कारण जो है वो पेशेंट कोमा में जा सकता है पैरालिसिस भी हो सकता है या फिर उसकी आगे जाके डेथ भी हो सकती है तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसलिए प्रॉपरली जब भी हाइपरटेंशन है किसी को तो रेगुलरली उसका चेकअप करवाना चाहिए एज वेल एज मेडिसिन से उसको कंट्रोल में रखना चाहिए एंड मेडिसिन जो भी आपका टाइम शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग टू रेगुलरली मेडिसिन लेना चाहिए जिससे कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो तो हमने मेडिसिन के बारे में जाना एक और वीडियो लेक्चर हम स्पेशली हाइपरटेंशन और उसके अवेयरनेस पर भी बनाएंगे सो टिल देन मैसेज टू जॉइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप्स ऑल्सो ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो थ्री सिक्स व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए कि जिससे आपको ऐसे एजुकेशनल वीडियोस वगैरह आपको मिलते रहेंगे ऑल्सो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड यूज़ करिए ऐप फार्मर ऑग्स की जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे एंड ऑल्सो यू विल गेट द पी डी एफ एंड पी पी डीज ऑफ अवर लेक्चर तो ये सब फैसिलिटीज को यूज़ करिए फार्मरग्स की ऐप ऊपर कोर्सेज़ भी आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेस में मिलेंगे कि लाइक इन हंड्रेड रुपीस में आप वन ईयर तक प्रिपरेशन कर सकोगे ऐप ऊपर तो ट्वेंटी एट पैसा पर डे की फैसिलिटीज़ से हम आपको कोर्सेज भी दे रहे हैं काफ़ी कोर्सेज ऐसे कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड सम आर इन वेरी अफोर्डेबल प्राइस सो मस्ट यूज़ दिस ऐप फार्मर ऑक्स एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट